जो दूसरे की उन्नति को देख करके दुखी हो जाता है, निंदा करने लगता है, बुराई करने लगता है, याद रखना उन्नतशील की व्यक्ति, उन्नतशील व्यक्ति की जो निंदा करता है वो स्वयं कभी उन्नति नहीं कर पाता। धनवान की जो बुराई करता रहता है वो सदा के लिए धनहीन रह जाता है। गुणवान की जो निंदा करता है वो दुर्गुणों से भर जाता है। और जो सज्जनों की निंदा करता है वो स्वयं दुर्जन बन करके राक्षसी जीवन जीता है। इसलिए सज्जनों का गुणगान करना चाहिए। कोई व्यक्ति उन्नति किया है उसको धन्यवाद देना चाहिए। किसी की कार को देख करके नमस्कार कर लेना चाहिए कि धन्यवाद है। और किसी का फलता फूलता हंसता खेलता परिवार देख करके चुपके से उससे पूछना चाहिए क्या फार्मूला है जो मैं भी अपने घर में लागू करूं, मेरे घर में भी हंसी खुशी आ जाए। ऐसा महान भी बनो और बैर को मिटाने की कोशिश करो, बैर बढ़ाने की कोशिश मत करो। किसी राजा के द्वार पर एक हाथी बंधा हुआ था। वो हाथी शाही हाथी कहलाता था, क्योंकि राज दरबार का हाथी भी बड़े शब्दों से सम्मान पाता है। शाही हाथी, बादशाहों का हाथी, शाही हाथी। उस हाथी को अच्छा अच्छा खिलाया जाता था, हरा चारा तो देते ही थे, मंत्रीगण देख रेख करते थे, लेकिन दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी हलवा मालपुआ जो भी राज दरबार में बनता था, राजा साहब एक बड़ी थाल में उस हाथी के लिए भी भोजन भेजते थे। हाथी हरा चारा भी खाता था और राजा साहब के द्वारा भेजा हुआ थाल उसमें जो भी आता था प्रेम से खाता। लेकिन हाथी तो हाथी है, थोड़ा खाता था कुछ इधर उधर गिर जाता था। तो वहां पर एक आवारा कुत्ता घूम रहा था। आवारा कुत्ता वो देखता है कि हाथी उतना समझदार नहीं है, कुछ खाता है कुछ गिराता है। तो जो चावल मालपुआ पूड़ी इधर उधर गिर जाती थी वो कुत्ता आकर के चुपके से खा लेता था। तो कुत्ते की भी सेहत बनने लगी, क्योंकि जूठन खाकर भी तंदुरुस्त होने लगा। एक दिन कुत्ते के ऊपर मंत्री की नजर पड़ गई कि अरे हाथी का भोजन ये खा लेता है चुपके से। और हाथी ने भी देखा कि ये साइड से डर डर के खाता है। तो हाथी ने कहा अरे मित्र डरते क्यों हो, मेरे लिए तो शाही इंतजाम हो रहा है क्योंकि मैं शाही हाथी और तू मेरी जूठन में से खाता है, मुझे दुख होता है, तू भी इसी थाली में थोड़ा साथ में खा लिया कर। कुत्ते ने पूंछ हिलाई और धन्यवाद दिया, हाथी खुश हुआ और दोनों साथ में खा लेते थे। जन्म जन्म के बैरी कुत्ते और हाथी आज साथ साथ खा रहे, क्योंकि हाथी जिस गांव में निकलता है सब कुत्ते भौंकना शुरू करते हैं। ऐसे कुत्ते कुत्ते खूब लड़ते हैं, लेकिन जब हाथी आता है तो कुत्ते सब संगठित होकर के हाथी के पीछे भौंकते हैं, आगे कोई नहीं भौंकता पीछे। ऐसे किसी भी क्षेत्र में जब कोई हाथी जैसा जबरदस्त बलवान व्यक्ति आता है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो या धार्मिक क्षेत्र में हो,
तो कुत्ते जैसी प्रकृति के लोग जो अभी तक आपस में लड़ते थे, काटते थे, नोचते थे, वह सब एक हो जाते हैं और भौंकना शुरू करते हैं, उसकी निंदा बुराई करना शुरू करते हैं। लेकिन आज हाथी और कुत्ते की दोस्ती हो चुकी है। जब मंत्री की नजर दूसरे दिन पड़ी कि ये कुत्ता तो हाथी की थाली में ही खा रहा, तो उसको बड़ी गुस्सा आई। राजा को बताया कि हाथी के लिए जो आप भेजते हैं वो कुत्ता भी खाता है, आवारा कुत्ता, और कभी कभी उस कुत्ते को सूंड़ में लपेट करके हाथी अपनी पीठ पर बिठा लेता है और सवारी भी कराता है। और कुत्ता अगर हाथी की पीठ पर बैठे तो राजा का अपमान हो जाता है कि जिस हाथी की पीठ पर राजा सुशोभित होता है उस पर कुत्ता सुशोभित हो रहा है। जब राजा को ये सूचना मिली तो राजा से बर्दाश्त नहीं हुआ। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि इस कुत्ते को पकड़कर दूर कहीं छोड़ के आ जाओ। मंत्री ने सिपाहियों को आदेश दिया, कुत्ता पकड़ा गया, दूर जाकर छोड़ा गया। कुत्ता बहुत दुखी नदी के किनारे पड़ा था, उसने खाना पीना छोड़ दिया। उस कुत्ते को देख करके एक किसान को दया आ गई और किसान उस कुत्ते को लेकर अपने खेत पे चला गया और खेत पर जो किसान रोटी खाता था उसमें से रोटी दे देता था। कुत्ता थोड़ा खाता है, थोड़ा छोड़ देता है, अपने मित्र हाथी की याद करता है और कुत्ता सुबह शाम रोता भी है। कुत्ते की दशा को देख करके किसान भी दुखी हो जाता है कि कुत्ता इतना दुखी क्यों है, हित अनहित पशु पक्षी हो जाते। इधर हाथी भी धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, आधा चारा खा रहा है, आधा छोड़ रहा है। हाथी का मन दुखी है, हाथी की प्रफुल्लता, हाथी की प्रसन्नता समाप्त हो गई, क्योंकि हाथी का मित्र जो कुत्ता था, साथी बन गया था, वो दूर कर दिया गया। राजा साहब देखते हैं हाथी दुबला हो गया, पतला हो गया, कमजोर हो गया। मंत्री से पूछा, हाथी को क्या रोग आ गया? बोले, ये रोग शरीर का नहीं है, ये रोग मन का है। इसका इलाज दवाई नहीं है, इसका इलाज वही कुत्ता है। तो कहते हैं राजा की मौज भी निराली होती। राजा ने आदेश दिया, मंत्री उसी कुत्ता को लाकर हाथी के पास रखो, नहीं तो कुत्ता के चक्कर में हाथी मर जाएगा। अब मंत्री के सामने संकट खड़ा हो गया कि कुत्ते को अचानक मैं छोड़ दिया हूं, पता नहीं कहां होगा कुत्ता, कैसे लाऊं, कैसे ढूंढूं, और उसी कुत्ते से प्रेम है, दूसरा कुत्ता भी नहीं चाहिए उस हाथी को, और उस कुत्ते को उसी हाथी से प्रेम है, दूसरा हाथी भी नहीं चाहिए। बड़ा मुश्किल मामला फंस गया। धीरे धीरे मंत्री ने बुद्धि लड़ाई, यस्य बुद्धिस्य तस्य विजयम्। मंत्री ने कहा कि राज दरबार में कुत्ता खरीदा जाएगा, इसलिए सब लोग अपना अपना कुत्ता लेकर के आइए, और जिसका कुत्ता परीक्षा में पास हो जाएगा, पसंद आ जाएगा, उसको 10,000 इनाम दिया जाएगा और कुत्ता ले लिया जाएगा। अब हजारों लोग कुत्ता ले लेकर आ गए, कुत्तों की भीड़ इकट्ठी हुई, एक से एक कुत्ते, लंबे कुत्ते, ऊंचे कुत्ते, मोटे कुत्ते, पतले कुत्ते, सफेद कुत्ते, काले कुत्ते, कबरे कुत्ते, लबरे कुत्ते कुत्तों का मेला लग गया। लास्ट में मंत्री की नजर से वो कुत्ता नहीं आया, लास्ट में वो किसान अपने दुबले पतले कुत्ते को लेकर आ गया। और कुत्ता आते ही ज्यों ही हाथी को देखता है प्रसन्न हो जाता है और रस्सी में झटका मारता है, रस्सी छुड़ा करके हाथी के पास जाकर के सूंड़ में लिपट जाता है। हाथी कुत्ते को सूंड़ पर लेकर पीठ पर बिठा लेता है, तालियां बज जाती हैं, खुशियां आ जाती हैं, हाथी खुश हो जाता, कुत्ता भी खुश हो जाता, राजा भी खुश है कि ये मामला क्या। तो राजा ने कहा, मंत्री एक बात समझ लो, जन्म जन्म के बैरी हैं हाथी और कुत्ते,
लेकिन वह भी आपस का बैर भुला करके आपस में प्रेम कर लेते हैं। इंसान को सीखना चाहिए बैर को धीरे धीरे कम करना चाहिए, बैर को बढ़ाना नहीं चाहिए और आपस में प्रेम बढ़ाना चाहिए।